साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमारा साथ दिया है। हमें पता है कि आपके साथ के बिना न्यू इंडिया के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस देश के आप करोड़ों व्यापारी हैं जो देश के करीब 30-40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। साथियों, देश को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी आपका योगदान है। अगर देश को 5 ट्रिलियन और बाद में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है तो आपके बिना ये संभव नहीं है। मैं आपको देश के विकास का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानता हूं। साथियों, दूसरी पार्टियां आपको कुछ खास अवसरों पर ही याद करती हैं, जबकि हमारे लिए आप देश की मजबूत ताकत है। कांग्रेस के नामदारों को अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, वरना गांधी जी जो खुद को गर्व से बनिया कहते थे, उसी कांग्रेस ने नामदार व्यापारी समाज को गाली देते हैं, सारे बिजनेसमैन को चोर कहते हैं। आज की कांग्रेस को न इतिहास का पता है, न ही जमीनी हकीकतों का अंदाज है। कांग्रेस के नामदारों को देश के निर्माण में व्यापारी समूह के योगदान का पता तक नहीं है। कुछ नहीं तो हर शहर में बनी धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल, जरा उसके बोर्ड जाकर के देख लीजिए, उस पर किसी न किसी व्यापारी का नाम लिखा हुआ है। कांग्रेस द्वारा व्यापारियों का यह अपमान पूरा देश देख रहा है। देश ये भी देख रहा है कि हम व्यापारियों के हित के लिए किस तरह जुटे हुए हैं।